हाँ बेटा बैठो। अरे भाई, मैंने एप्पल जूस कहा था। इट्स ओके, आज ये पी लें ऑरेंज। ओके चाय ले आओ। अच्छा वो सुनो, स्किम मिल्क लेके आना। अच्छा, स्किम मिल्क? आप इतनी डाइट कॉन्शियस कब से हो गई? मैं तो हमेशा से डाइट कॉन्शियस थी और होना भी चाहिए, लेकिन अब जरा ज्यादा हो गई। हेलो, हेलो, ये कहाँ से? ओके हाउ आर यू? आई एम गुड अंकल, हाउ आर यू? थैंक आई एम गुड बेटो। यू सो मच आंटी फॉर इनवाइटिंग मी। बेटा दिस इज योर ओन होम। हाँ यू आर वेलकम ऑलवेज। भाई साहिबा, सलार के साथ एयरपोर्ट जाना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे साथ नाश्ता कर लो आके। वंडरफुल आइडिया, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ जाना चाह रही थी? बताया तो था तुम्हें रात को, याद नहीं? वाह, बिजनेस पार्टनर्स आर नाउ गोइंग टू बी ट्रेवलिंग पार्टनर्स। वंडरफुल। बिजनेस पार्टनर? आपकी मॉम ने नहीं बताया हम साथ में बिजनेस पार्टनरशिप? एक्सक्यूज मी, आई गेस इसे मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, इट्स नॉट दैट, इट्स योर फादर्स एटीट्यूड। इसने पसंद नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने। एनीवे, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। डैड के एटीट्यूड से उन्होंने क्या किया? अरे नहीं स्वीट हार्ट, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सालार को ऐसा लगता है कि उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। चलें आप लोग नाश्ता करें। मेरी मीटिंग हमदानी साहब के साथ है। बेटे तुम अच्छी तरह नाश्ता करके जाना। ओके हमदानी से क्यों? ये कैसा सवाल है भाई? हमदानी के साथ मैं कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ताहिर, सालार और नताशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। लेकिन मैं सलार के जाने से पहले तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके ऑलराइट। आंटी, व्हाट इज गोइंग ऑन? नताशा का सलार से क्या है? वो स्वीटर्ट, हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी नताशा की सलार से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सलार? सलार के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। अब कुछ लो ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? कहा था ना मैंने, भाई है मेरा, मेरे लिए स्टैंड जरूर लेगा, और देखो कैसे सबको खामोश करवा दिया। खामोश करवा दिया, ये रीजन समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें लॉ पढ़ने की इजाजत कैसे दिलवा दी? भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? चलेंगे। कितने लोगे? जो मुनासिब हो दे दे। चुपके से कह रहा था कि जाओ और जाके एडमिशन ले लो। चलो हाँ, एडमिशन लेने की इजाजत दे दी, छोड़ने भी चला जाता। बैठो अंदर, इतने सुकून से गाड़ी में जाते। ऐसे कैसे जाते? चुपके से जाएंगे तो चुपके से आएंगे, सबको बता के जाना था ना तो मसला हो जाता। अच्छा ये दिखाओ। ये लो पैसे रखो। साहब किताबें, बस्ता, यूनिफॉर्म तो बाजी दिला ही देती हैं। हाँ अच्छे स्कूल जाता है ये, उसके होलिये से भी तो लगना चाहिए ना। अरे साहब ये तो इसे गंदा संदा रहने की आदत है, इसके दोस्त ने बहुत अच्छे जूते दिलाए थे लेकिन पहनता ही नहीं है। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी किसी को उतना नहीं पहनना चाहिए इसे। ये पैसे किस लिए दिए तुमने?
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आओ मेरे साथ, आओ ना। अबे ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? अबे इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? दरगाह से लाया हूँ। कहाँ से आएंगे? जज्बे की बैठक पर गया था। हाँ तो अबे पागल है, तुझे नहीं पता पुलिस की नजरें हैं यार हम पर। रात को थाने से फोन आया और तूने फोन बंद कर दिया। तुझे कैसे पता चला? तेरे फोन बंद होने के बाद एजाज भाई ने एक कॉल मुझे भी करवाई थी। एजाज भाई ने कॉल? तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तू किसी बड़े बंदे से कॉल करवा देता, एजाज भाई यूं बाहर आ जाते। अभी भी वक्त है, लगा दे सोर्स। मेरी कौन सी सोर्स है यार? तेरी बहन की तो सोर्स है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जाराने लगाए हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो, जुबान संभाल के बात कर। क्या हो गया? ओ भाई ओ, आइंदा ना बोली ऐसा। क्या हो गया? दोस्त है ना यार। दोस्त की बकवास सुन रहे तू? देख मेरी बात सुन, बात वो गलत कर भी नहीं रहा, लेकिन सबको मालूम है कि तेरी बहन बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अरे तेरी तो आराम। ओए ओए चांदिया जी ने बोलता है। आराम से बैठ बैठ पीछे 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 किसको दे रहे हो तू? अपने दोस्तों को अय्याशी करवाते हो और हमारे दोस्त के लिए कॉल भी नहीं कर सकते हो। ओए वो मंगेतर है उसका, जिससे वो मिलती है। बढ़िया ही मंगेतर। अबे मंगेतर एक होता है, अगर एक है तो शादी करवा दो। मारूंगा तेरे साथ। देखो जरा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अभी इनको देखता हूं मैं खुद। अच्छा अच्छा देखो सलार, अगर कोई नई चीजें खरीदने की इस्तेमाल नहीं रखता तो सेकंड हैंड आइटम्स यूज करने में बुराई ही क्या है? बुराई तो कोई नहीं है, इनफैक्ट आधी से ज्यादा आवाम संडे बाजार में पाई जाती है और हर दूसरे घर में सेकंड हैंड आइटम्स भरे हुए होते हैं। और फिर भी तुम जो मेरी गरीब मेड नया कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती और तुम उसे अपने बच्चे को उतरन पहने से मना कर रहे हो। हाँ तो यार अगर वो नया अफोर्ड नहीं कर सकती तो सेकंड हैंड आइटम परचेस कर लेना, किसी की भीख में दी हुई चीज जरूर इस्तेमाल करनी है उसको। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता यार, इट्स वेरी सिंपल। सेकंड हैंड आइटम्स परचेज होते हैं और उतरन किसी का दिया हुआ फेंका हुआ मांगा हुआ होता है। तो मांगने से कयामत थोड़ी आ जाती है, उस बिचारी का बुरा वक्त ही गुजर जाएगा ना। अरे नहीं यार, सबा वक्त गुजरता नहीं है, इनफैक्ट मांगने वालों का वक्त रुक जाता है और वो हमेशा मांगते रहते हैं। तो मांगने दो, एक दिन वो खुद ही थक जाएगा। देखो यही तो मसला है ना, इंसानों से मांगने वाला कभी ना थकता है और ना सहर होता है, बल्कि जो देने वाले होते हैं ना वो एक पॉइंट पर आके थक जाते हैं और जब वो थक जाते हैं ना तो मांगने वाले छीने झपटने पर आ जाते हैं। इसलिए लोगों को इंसान से मांगने की तरकीब देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मांगने का रास्ता दिखाना चाहिए। That's how it should be. देखो सलार, अल्लाह ने खुद ही कहा है कि जरूरतमंदों के लिए तो पर्दे में देने को कहा है ना सबा, मांगने वालों की हौसला अफजाई कब की है? ओहो क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अरे यार लड़ नहीं रहे, मैं तुम्हारी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रही। क्या बात है, देखा मैंने कहा था ना समझदार हो गया। बहुत अच्छा। जुनैद मुझे बता रहे थे कि तुम पार्टी में गए थे और साहिबा से तुम्हारा पैचअप भी हो गया है। हाँ, वो पैचअप इस वक्त घर पे बैठा हुआ है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। यार पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, डैड ने बिजनेस के चक्कर में उसे मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। लो भाई। ओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ तो तुम भी चलो साथ, कुछ यूनिवर्सिटीज विजिट करनी है, डोनेशंस देनी है तो आ जाओ। डोनेशंस? क्यों? क्या मतलब क्यों? सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। अच्छा इसका मतलब यह है कि डैड अच्छा काम भी करते हैं। हाँ